तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नथिंग लॉन्चर के बारे में। दोस्तों नथिंग फोन तो लॉन्च हो चुका है, मैं आपको नथिंग लॉन्चर के बारे में बता रहा हूँ। ये भी पहले से आ चुका था, बट मैं आपको आज बताने वाला हूँ नथिंग लॉन्चर के नए फीचर के बारे में, या फिर बोल सकते हैं नथिंग लॉन्चर के फीचर्स के बारे में, जो कि बेस्ट फीचर है उस लॉन्चर के अंदर। अगर आप लॉन्चर यूज़ करना चाहते हैं अपने मोबाइल में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या क्या ये फीचर है आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो उसके मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे। दोस्तों आपको सबसे पहले जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है नथिंग लॉन्चर। आपको देखेंगे नथिंग लॉन्चर, आप सर्च करेंगे तो फिलहाल ये बीटा यूजर के लिए है, तो आपको यहाँ पर बीटा वर्जन लेना पड़ेगा तो आप यहाँ इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैंने बीटा वर्जन ले रखा है और उसको मैंने डायनोमिक या बोल सकते हैं उसको डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें नए नए फीचर्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, तो आगे आपको सारे फीचर्स के बारे में बताने देता हूँ। अब मैंने इसको कर लिया है लॉन्च और उसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया अपने यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फीचर है कि आप यहाँ पर जो ऐप है उसको इनलार्ज कर सकते हैं। कैसे? आपने मैंने यहाँ पर ऐप को क्लिक करा, मैंने इस ऐप को क्लिक करा। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इनलार्ज हो जाएगा। तो आप ऐसे अरेंज करके रख सकते हैं अपने यहाँ पर अपने ऐप्स को होम स्क्रीन पे। तो सबसे पहला फीचर तो ये है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड फीचर ये है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पेज को स्वाइप करेंगे नीचे, आपको यहाँ गूगल का जो टूल बार मिलता है वो आपका वैसा का वैसा रहने वाला है, वो वहां से नहीं हटने वाला, और नीचे जो ऐप सेट करेंगे वो पूरी दिखेंगी आपको हर पेज पे। ये यहाँ पर ये चीज अच्छी है कि हमें कुछ सर्च मारना हो तो गूगल सर्च बार आपको वहीं पर मेन स्क्रीन पे मिलने वाला है, ये बार बार आपको पेज के साथ चेंज नहीं होने वाला। तो ये फीचर भी यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों थर्ड चीज ये है, यहाँ पर ये पूरी वर्टिकल एप्स दी गई हैं कि आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं ऐप को वर्टिकल्स में, पूरी वर्टिकल फॉर्म में दी हुई है जिसको आप इजीली यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो ये फीचर भी बहुत शानदार है। यहाँ पर एक फीचर और दिया गया दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है जब हम ऐप्स डाउनलोड या ऐप्स का ट्रे खोलते हैं तो बहुत सारी ऐप हो जाती है, बट हमें कोई ऐप को सर्च करना हो तो हमें यहाँ पर कीबोर्ड पर क्लिक करना, यहाँ सर्च पर क्लिक करना पड़ता है, फिर कीबोर्ड पर लिख के यहाँ पर सर्च करते हैं। तो यहाँ पर एक फीचर और दिया गया है, प्लस पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया एक फीचर और, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऑलवेज शो कीबोर्ड का। अब ऑलवेज शो कीबोर्ड कैसे है कि जब भी मैं उसको ट्रॉल को ओपन करूंगा तो हमेशा कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, आप यहाँ डायरेक्ट सर्च करके ऐप को यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। तो ये फीचर भी यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो फीचर दिया गया है विजार्ड्स का, यहाँ पर जो नथिंग के विजार्ड दिए गए बहुत शानदार, यहाँ पर नथिंग के विजार्ड दिए गए। कैसे? आपको यहाँ थ्री डॉट क्लिक करना है, यहाँ विजार्ड्स पर जाना है। विजार्ड्स पर जाने के बाद नीचे तरफ आएंगे, आपको यहाँ पर देखेंगे नथिंग लॉन्चर के आपको यहाँ पर तीन विजार्ड्स मिल रहे हैं, जो कि एक है टाइम के लिए एनालॉग टाइम, एक है डिजिटल टाइम और एक है आपका वेदर का। आपको जो सा भी क्लिक करना है आपको उस पर क्लिक करना है और होल्ड करके रखना है और यहाँ पर आप छोड़ देंगे तो ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। आप देखेंगे ये सेट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सेट हो गया। ऐसे ही अगर मुझे अब डिजिटल में सेट करना है तो मैं ऐसे क्लिक करके रखूंगा वापस, यहाँ पर मैंने क्लिक करके रखा, विजार्ड्स पे गया, विजार्ड्स पे जाने के बाद वापस नथिंग फॉर्म पे गया, नथिंग लॉन्चर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक विजार्ड्स ये डिजिटल वाला ही मिल जाएगा, आप उस पर भी क्लिक करके रखेंगे तो वो भी यहाँ पर स्वैप हो जाएगा, यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। आप देखेंगे ये यहाँ पर हो चुका है, आपको यहाँ पर दो मिल रहे हैं, जैसा भी आपको सूट करे वैसा आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये हो गया है, एक विजार्ड्स ये रहा, एक विजार्ड ये रहा, दो विजार्ड्स ये रहे, ये यहाँ पर आपको नथिंग लॉन्चर के साथ मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद जो थर्ड विजार्ड या बोल सकते हैं इसके बाद का जो नेक्स्ट फीचर है बहुत ही कमाल का, वो फीचर ऐसा है अगर आप यहाँ पर कोई विजार्ड्स को गलती से यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, लाइक मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो आप यहाँ पर कुछ सेकंड तक उसको अंडू भी कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फीचर है, हमें कोई गलती से विजार्ड्स को हमने अगर डिलीट कर दिया तो हम इससे इजिली उससे वापस एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर अब जो नेक्स्ट फीचर ये बताने वाला हूँ दोस्तों, ये जो क्लॉक वाला फीचर होता है ये सैमसंग की क्लॉक है, जो सैमसंग की आपको सैमसंग लॉन्चर में मिलती है जिसको सैमसंग की तरफ से ही यहाँ पर दिया गया है। बट वहाँ पर अगर आप सैमसंग मोबाइल में उसको इनलार्ज करते थे तो मैक्सिमम इतना ही तक होता था, इससे ज़्यादा यहाँ पर बड़ी नहीं होता था, बट यहाँ पर आपके नथिंग लॉन्चर में इसको बहुत अच्छा बिग कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके रखना है और आप इसको यहाँ से इनलार्ज कर सकते हैं मैक्सिमम लेवल तक, इतने लेवल तक आप यहाँ पर इसको इनलार्ज करके रख सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार यहाँ पर फीचर दिया गया है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो फीचर्स ये हैं कि अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन पेंडिंग होती है तो आपको, आप देखेंगे यहाँ पर थ्री डॉट्स करके दिखता है, आपको दिख रहा है एक डॉट्स करके दिख रहा है, वो आपको दिख रहा होगा जैसे इसमें कोई नोटिफिकेशन पेंडिंग है तो यहाँ पर डॉट्स दिख रहा है, यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन पेंडिंग है तो यहाँ भी दिख रहा है, तो जहाँ जहाँ नोटिफिकेशन पेंडिंग है वहाँ पर आपको डॉट करके दिख रहा होगा, आप दिख रहे होंगे ये डॉट करके दिख रहा है, तो आप सिंपली अब यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे तो आपको लास्ट बता भी देगा काय का पेंडिंग है और वो पूरा आपको लार्ज करके दिखाने वाला है। तो ये फीचर भी यहाँ पर कमाल का दिया गया है, जो भी नोटिफिकेशन पेंडिंग होगी आप इजीली यहाँ पर ऐसा खाली क्लिक करके ही आप लास्ट नोटिफिकेशन पूरी रीड कर सकते हैं, तो ये फीचर भी यहाँ पर कमाल का दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट फीचर बताने वाला हूँ वो तो बहुत कमाल का, अगर आप यहाँ पर कोई वॉलपेपर को सेट करते हैं अगर वो वॉलपेपर बड़ा है तो आप यहाँ पर आप वॉलपेपर को स्क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, कैसे आप देखेंगे अभी यहाँ पर ऐसे ही दिख रहा है, अगर आपके पास कोई वॉलपेपर बड़ा है तो आप यहाँ पर इसको थोड़ी देर क्लिक करके रखेंगे, यहाँ पर आपको जाना है कस्टमाइज पे, कस्टमाइज पे आपको मिल जाएगा वॉलपेपर स्क्रॉलिंग का ऑप्शन, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, अब मैं वॉलपेपर यूं करूंगा तो आप देखेंगे वॉलपेपर यहाँ पर स्क्रॉल हो भी हो रहा है, अगर आप नहीं चाहते ऐसा हो तो आप वापस उस पर क्लिक करिए, यहाँ पर ऐसा क्लिक करके रखिए, क्लिक करने के बाद वापस कस्टमाइज पे जाइए और वॉलपेपर स्क्रॉलिंग से हटा देंगे तो वो वहाँ पर नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पर जो उसकी ग्रिड है ऐप की, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं 5x5 मैक्सिमम लेवल तक कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर 4 थी अब ये 5 का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक अलग अलग से जगह यहाँ पर खाली दिख रही होगी, तो ये आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर थर्ड पार्टी आइकन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आइकन पैक पे जाएंगे, आइकन पैक पे जाने के ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल प्ले स्टोर से डायरेक्ट यहाँ पर आइकन पैक भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यही फीचर थे नथिंग लॉन्जर में जो कि मैंने आपको बताया, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और एक चीज़ और, अगर आपको यहाँ पर सेटिंग करनी हो इसकी तो होम सेटिंग पे जाके आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, सेट ऐप डिफॉल्ट में मैंने सेट कर रखा है तो आप यहाँ पर डिफॉल्ट को भी सर्च कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डॉट्स भी आ सकती है, ऐड कोई भी नया ऐप अगर डाउनलोड करें ऑटोमेटिक इस पर आ जाए तो आप यहाँ पर इसे क्लिक करके भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों यही नए फीचर थे, आप बोल सकते हैं यही नथिंग लॉन्जर के अंदर फीचर थे जो कि मैंने आपको बताया, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। सो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें वीडियो कुछ कमी तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके ही बता सकते हैं कि आपको ये मेरी वीडियो क्यों खराब लगी। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू दोस्तों।